उनकी डिटर्मिनेशन मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगी, एक तो महबूबा जी की और इरफान साहब की। इरफान साहब को भी मैं पिछले 3 साल से देख रही हूँ, अकेले हैं अपोजिशन में। अगर कोई कभी यहाँ आवाज़ म्यूनसिपल काउंसिल में अपोजिशन से उठी तो वो इरफान साहब ही थे। इनकी वो स्ट्रेंथ अकेले खड़े होकर, परसों जब इन्होंने रिज़ाइन किया तब तो इनके साथ 6 लोग 7 लोग और थे, क्योंकि उन्होंने भी देखा कि फाइनली इरफान साहब के साथ रहकर एक पावर बन सकते हैं हम। और अपनी लीडर महबूबा जी की डिटर्मिनेशन, जो कि पिछले 3 साल से चाहे कितने भी लीडर उनकी पार्टी से निकले, हमने ज़रा बराबर भी नहीं देखा कि कहीं पर महबूबा जी का कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। एंड दैट्स द रीज़न। 3 साल पहले भी मैंने मेन स्ट्रीम में आई, इलेक्शन लड़ा, और आज भी लोग मुझसे कहते हैं कि यहाँ तो फील्ड में बहुत अमीर लोग हैं, आप उनका मुकाबला कैसे करोगे, आपके पास उतना पैसा नहीं है, वो पैसे देते हैं लोगों को वोट के वक्त। तो मैं उनको जवाब देती हूँ कि अगर मेरे मैदान में आने से अमीर कैंडिडेट्स गरीबों को पैसा देते हैं तो हमारा काम हो गया। यही तो हमारा काम है कि किसी तरीके से गरीबों तक कुछ मदद पहुँचे।